हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका डे फोर एफवाई बीकॉम सेम वन वाले बच्चों की। बात करूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स वन का। अब ध्यान से सुनना समझना, हर एक कुछ बच्चों को डाउट है सर ये सिर्फ केटी वाले बच्चों के लिए है या फिर हमारे जो भी डिस्टेंस वाले बच्चे हैं या फिर रेगुलर वाले बच्चों का डाउट है, कंफ्यूजन है सर हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कराए जा रहे हैं, चाहे आप रेगुलर वाले बच्चे हो, केटी आपको लगी है तो केटी वालों के लिए स्पेशल है भाई। 10 डेज में कैसे हमारा केटी क्लियर होना चाहिए, तो किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। या फिर आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो तो भी आपका ये सेवन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका बनने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, आपको कवर करना पड़ेगा। क्लियर है? आज भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे क्योंकि हर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव है सर। क्वेश्चन नंबर कहां पूछा जाएगा पहले उसकी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5th पे तो बच्चों को डाउट थोड़ा सा आया कि सर इससे पहले जो हैशटैग मींस डे 3rd आया था हमारा, वो भी तो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी और सी डी क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं सर? ए बी सी और डी। एपी में से जो आपने कल किया ना, ए या बी में कहीं पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। काफी बच्चों के कॉलेजेस में प्रीवियस जो भी आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें आप देखोगे ए और बी के प्लेस पे वो क्वेश्चंस बना था, या बहुत सारे कुछ एक दो कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पे वो क्वेश्चन नहीं बना है। बट ध्यान रखना सी डी में से ये जो आज दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चंस बनता है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है बट बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए मार्क्स नहीं मिलता, बट इतना इजी टॉपिक आपको पूछा जाता है और सिमिलर पूछा जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही पूछा जाएगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है, नंबर आपके चेंज हो जाते हैं और सिंपल से एक फॉर्मूले पे ये टॉपिक आपका चलता है। क्वेश्चन की पहचान क्या है सर वो थोड़ा सा आप बताइए। पहला क्वेश्चन आपका लिया हमें 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे मैं ऐड करता हूं। क्या दिया गया सर? इफ प्राइस इज ₹7, क्या देके रखा है सर? प्राइस देके रखा है, तो आपको डिटेल जो देके रखा आप लिख लो। प्राइस में हमारा पी कितना सर? ₹7। नेक्स्ट डिटेल सर एबीसी देके रखा है। एबीसी मीन्स हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर, हैशटैग डे 3rd अगर आपने देखा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है सर, कितना? ₹5 लिख लिया मैंने। नेक्स्ट हमारा सर टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा देके रखा है सर ₹40,000। क्लियर है? क्लियर। अब तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला तो बता दो व्हाट इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, पहला सर ब्रेक इवन क्वांटिटी, इसी का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को याद होगा तो ये टॉपिक हो जाता है, बहुत सिंपल टॉपिक हो जाता है अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। फॉर्मूला है, नहीं याद है तो देख लो भाई, फॉर्मूला है टीएफसी डिवाइड, तो डिवाइड वैसा ना करके चलो मैं ये ऐसा डिवाइड दिखा दे सर, प्राइस माइनस एबीसी, सिंपल फॉर्मूला प्राइस माइनस एबीसी। तो टीएफसी देखो डिटेल दिया है, टीएफसी सर 40,000 वैल्यू पुट अप करो, डिवाइड बाय मैंने बोला प्राइस कितना आपका, प्राइस सर 7 माइनस 5। क्लियर है? चलो इसको नीचे लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 वहां पे हमारा शिफ्ट होगा सर। 40,000 7 में से 5 सर 2, इट मींस 20,000, तो मेरा ब्रेक इवन क्वांटिटी कितना आ रहा है सर? 20,000 आ रहा है। क्लियर है यहां तक? हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए सर। मेन क्या था हमारा यहां तक? फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला अगर याद है टीएफसी अपॉन में प्राइस माइनस एबीसी कर देता हूं तो मेरा आंसर हो जाता है क्लियर। चलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का डिटेल आप देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, मतलब मैं पूछू सेकेंड डिटेल आपसे क्या पूछ रहे हैं। सेकेंड डिटेल है सर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेक इवन क्वांटिटी, फिर से न्यू ब्रेक इवन मतलब फाइंड आउट करने की बात हो रही है बट कंडीशन क्या है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस ₹9, बोल रहे ना प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है भाई, प्राइस आपकी न्यू आई है, न्यू प्राइस आ गया, प्राइस बोल रहे ना, प्राइस जो आपका है अब बोल रहे प्राइस हो गई आपकी 9, तो न्यू ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होने वाला है? आगे का डिटेल और भी पढ़ लो। एबीसी एंड टीएफसी रिमेनिंग द सेम, बोले बाकी सब सेम है बट आपका प्राइस चेंज हो गया, तो आपका न्यू ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होने वाला है वो आप बताओ। तो मैंने बोला लिख देता हूं मैं सर ब्रेक इवन
ब्रेक इवन क्वांटिटी। मैंने आपसे पूछा ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, तो सर सेम फॉर्मूला जो हमारा आपने ऊपर लिखा है। मैंने बोला बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, टीएफसी अपॉन में प्राइस माइनस एबीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला सेम, कोई दिक्कत नहीं है सर। 40,000 वैल्यू पुट अप किया, माइनस प्राइस चेंज है ना भाई, प्राइस अब न्यू प्राइस क्या है सर 9, तो प्राइस आएगी 9 माइनस एबीसी, तो हमारा कांस्टेंट ही है, एक ही कंडीशन था, एक ही चीज हमें चेंज करके दे रहे सर, प्राइस बोल रहे 9 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40,000 बिल्कुल सर, डिवाइड बाय 9 में से 5 माइनस कर दो सर, कितना आता है हमारा 4, तो ये आया रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो कितना आएगा 10,000। किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या? तो मैं आपसे पूछूं कि जो पहला ब्रेक इवन क्वांटिटी था उससे ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, मींस मैं बोलूं रिड्यूस हुआ, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है सर, 20 से 10,000 हो गया, इसका मतलब मैं आंसर लिख सकता हूं सर, द ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी रिड्यूसेस। क्लियर है क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, और एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन इन्होंने दिया है, वो भी देखते हैं क्या कंडीशन है। व्हाट हैपेंड टू द ब्रेक इवन क्वांटिटी व्हेन एबीसी इंक्रीज्ड? अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, ये क्वेश्चन इसके बाहर आपके कुछ नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको एक कंडीशन दे दिएगा, आप चेंज यही करेंगे प्राइस को, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, भाई 7 से 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, 6 कर देंगे, 5 कर देंगे, एंड एबीसी को चेंज कर देंगे, यही कंडीशन है, बाकी और कुछ कोई चेंज नहीं होने वाला है। कंडीशन क्या, मैं वो थोड़ा सा अच्छे से फिर पढ़ लूं। एबीसी इंक्रीज टू रुपीज 6, बोले आप एबीसी को इंक्रीज करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करो, 6 कर दो, और बताओ न्यू ब्रेक इवन क्या आ रहा है हमारा, वो आप डिटरमाइन कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कैलकुलेशन हमारा हो सकता है। ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड आउट करो आप, फॉर्मूला हमारा सेम चलेगा सर, टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमारा फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला तो हमारा सेम है, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में पी माइनस एबीसी, यही फॉर्मूला चलेगा आपका। टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट आपका है सर 40,000, तो वैल्यू पुट अप करो आप 40,000, प्राइस में सर कोई चेंज नहीं है, उन्होंने एबीसी में चेंज करने के लिए बोला है, तो प्राइस आपका क्या रहेगा सर सेम, तो प्राइस आपका कितना था, ध्यान रखना 9 नहीं रखना है, फर्स्ट कंडीशन रखना है आपको 7, माइनस एबीसी चेंज किया उन्होंने, क्या किया सर 6 किया, तो आप वैल्यू पुट अप करो 6, 40,000 डिवाइड बाय 7 माइनस 6 होता है 1, 1 से डिवाइड करके कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब 40,000। अब मैं आपसे पूछूं भाई ये पहले से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर इंक्रीज हुआ, तो आप क्या रीजन लिख सकते हो सर, ब्रेक इवन क्वांटिटी रिड्यूस के प्लेस पे इंक्रीज्ड लिखना है, मैं यहां पे मेंशन चलो कर देता हूं, द ब्रेक इवन क्वांटिटी इंक्रीज्ड, क्या रीजन आपने लिखा, ब्रेक इवन क्वालिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, सॉरी। चलिए एक और सिमिलर सम आपका है, कॉलेज के पेपर से मैं आपको करा के दे रहा हूं, ये क्या क्वेश्चन है सर, इफ द प्राइस ऑफ रुपीज 10, एबीसी 6, टीएफसी 40,000, प्राइस कितना देख रखा, देखो सिमिलर क्वेश्चन ही है, बट आपको क्या चेंज किया सर, प्राइस है ना एबीसी चेंज करके रख रहे हैं। क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल है, क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे भी ऐड करता हूं आपका, क्लियर आप लोगों को क्वेश्चन लिखना चाहिए। क्वेश्चन क्या सर, प्राइस देके रखा है रुपीज 10, क्वेश्चन नंबर 2 प्राइस देके आपको रखा सर रुपीज 10, क्लियर है, एबीसी कितना देके रखा है सर हमारा रुपीज, एबीसी की अगर मैं बात करता हूं 6, एंड टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट कितना सर 40,000। आप क्वेश्चन देखो, मैं कॉलेज का पेपर मैंने लिया है, सेम मैंने क्या आपसे बोला था, प्राइस में चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट अमाउंट चेंज कर सकते हैं, कोई भी यही एक चेंज होगा, बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा सेम चलेगा। क्या पूछ रहे क्वेश्चन सर, व्हाट इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, आपसे ब्रेक इवन पूछा जा रहा है, फर्स्ट केस ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन, इस टाइप के सम्स आते हैं तो बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है,
क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, एक ही फॉर्मूले पे आपका चलता है। ब्रेक इवन क्वांटिटी, आपका फॉर्मूला क्या है सर? आपको दिख रहा है टीएफसी, फॉर्मूला है सर टीएफसी अपॉन में प्राइस माइनस एबीसी। मैं आपसे पूछूं टीएफसी कितना है सर? टीएफसी हमारा 40,000, वैल्यू पुट अप करो 40,000 अपॉन में प्राइस माइनस एबीसी। प्राइस आपका क्या दिख रहा है सर? प्राइस रुपीज 10 माइनस 6, इट मींस 40,000 डिवाइड बाय 10 माइनस 6 आपने किया, देन आपको कितना आया सर? 4, और कितना आ गया सर? 10,000। किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले नेक्स्ट, आगे का डिटेल क्या पूछ रहे सर? What happened to the break-even quantity when price falls to rupees 7 and ABC and TFC remaining same? अब क्या चेंज किया सर? प्राइस उन्होंने रुपीज 7 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड केस, सेकंड आप प्रॉपर इस तरीके से लिखना, सेकंड क्या चेंज किया वो आप लिखो। प्राइस उन्होंने चेंज किया सर, रुपीज क्या कर दिया? 7 कर दिया। बाकी बोल रहे आप जैसा है ना ऊपर वैसा ही रखना है, वैसे मीन्स एबीसी टीएफसी आप सेम रखो, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। और पूछ रहे आप ब्रेक इवन बताओ क्या है, तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला अप्लाई करो आप। ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं लिखना है, क्वांटिटी लिखो आप। क्वांटिटी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अभी तक आप लोग को याद भी हो गया होगा सर, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में प्राइस माइनस एबीसी। मैंने पूछा क्वेश्चन देखो आप क्या चेंज हुआ वो देखो। चेंज हुआ सर प्राइस कितना सर? 7 माइनस सॉरी टीएफसी आपका सेम है, टीएफसी तो सेम है, एबीसी भी हमारा सेम है सर, तो 40,000 अपॉन में कितना? 7 माइनस 6 1, इट मीन्स 40,000, 10 दा 40 हो गया। इसका मतलब यहां पे क्या दिख रहा है सर? आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, इंक्रीज हुआ, तो ये रीजन आप यहां पे लिख दो, यहां पे रीजन सेम रीजन। ब्रेक इवन क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है सर? इंक्रीज हो रही है। एक लास्ट केस आपका थर्ड दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको देखना है। What happened to the break-even quantity when ABC falls to rupees 5 and ABC and TFC remaining the same? एक मिस्टेक वहां पे देख लेना, ABC falls देके रखा है 2 rupees 5, बोले ABC आपकी 5 हो गई है, अगर ABC 5 है तो न्यू हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या आने वाला है, क्या चेंज कर रहे हो आप देखो। उन्होंने बोला ABC रुपीज क्या हो गई है हमारी सर? 5। इसका मतलब प्राइस एंड टीएफसी हमारा कॉमन ही रहेगा, क्या चेंज करना है आपको सर? ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर्मूला आपको पता है सर, टीएफसी अपॉन में पी माइनस एबीसी। टीएफसी सेम है, टीएफसी आपकी 40,000, प्राइस भी सेम है सर, प्राइस हमारा 10 माइनस एबीसी 5 है, 5 40,000 डिवाइड बाई सर 10 माइनस 5 5 5 8 जा कितना है सर? 8,000। और कंपेयर हमेशा फर्स्ट से किया करो, आप लोग ध्यान रखना फर्स्ट से हमेशा किया करो। फर्स्ट में कितना था सर? ब्रेक इवन क्वांटिटी 10,000, अभी आपका कितना है सर? 8,000। इंक्रीज की डिक्रीज हुआ आप बताओ, रिड्यूस हुआ? बिल्कुल है सर। अब ये रीजन आप यहां पे कॉपी करो, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? कितना सिंपल सा सम है, कितना सिंपल सा सम है, काफी बच्चों के कॉलेजेस पे ऑलरेडी आया होगा बट उनको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब जब आप कर लिए तो आपको एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा कि इस टाइप के सम अगर हमारे एग्जाम में दिख जाएंगे सर, 8 या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। कैसा है इसके, इसीलिए आपको दो क्वेश्चन आपको करा दिया कि हर एक बच्चे को अगर किसी के भी कॉलेज में इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिख जाएंगे बन जाएंगे, कहां पे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 5 पे बनेगा, एबीसीडी कहीं पे पूछ सकते हैं। अब देखो दो प्रैक्टिकल आपके हो सकते, एक तो कंपलसरी आएगा ही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब डे 3rd एंड 4th। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे दोनों प्रैक्टिकल आते हैं, बट कंडीशन क्या है?
एक आपका ए बी में रहेगा तो दूसरा सी डी में रहेगा, मतलब आपको एग्जाम में ना जो इजी लगा आज का डे वाला इजी लगा आज का डे वाला प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट मतलब डे थ्री वाला इजी लगा तो डे थ्री फॉलो करना, मतलब आपके एग्जाम में अगर दोनों आया तब तो कोई इशू नहीं, बच्चों के पास ऑप्शन है कोई भी कर सकते हो, डे थर्ड डे फोर्थ में से कोई भी कर दो, बट ध्यान रखना इसलिए मैंने डे थर्ड डे फोर्थ करा, कोई बच्चा अब इसमें ऑप्शन नहीं रखेगा सर मैं डे थर्ड करूंगा डे फोर्थ, क्योंकि कंपलसरी हमेशा नहीं है कि आपके कॉलेज में कि डे थर्ड डे फोर्थ, मतलब दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिखे, बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए आप ये मान के चलो सर कि भाई अगर एक आया तो भी मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि कल का लेक्चर में देखो सीडी में अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो भी मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि आज के डे का लेक्चर मैंने कवर किया है, तो मतलब ये दो डे अगर आपने कवर किया मिनिमम कैसे भी पेपर सेटअप होने दो आपका 8-7 में से क्लियर हो गया, कैसे भी क्वेश्चन आने दो, क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा, फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट बॉक्स में ऐड करो, कमेंट बॉक्स में ऐड करो, थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन है या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो का लिंक जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके या फिर बीकॉम बैक बीबीआई बीएमएस वाले बच्चों को शेयर कर दे, बाकी उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट मिलता रहे, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे डे 5 के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।